एक बार जब दिल में वो श्रद्धा और विश्वास आ जाता है, उसके बाद अनुभव जरूर आएंगे, अपने आप आएंगे। वही हुआ। कुछ साल बाद हमें बॉम्बे जाना पड़ा, तो बॉम्बे में जब हम थे तब मेरा सबसे पहला अनुभव हुआ स्वामी का। मतलब 1990 में कुछ ऐसे हम गए वृंदावन, स्वामी का दर्शन हुआ, सबसे पहला दर्शन, सबसे सुंदर दर्शन। और इतना मतलब जब स्वामी को मैंने पहली बार देखा, ऐसा प्यार आ गया ना दिल में, अरे वो भी भगवान का ही ब्लेसिंग है, ऐसा प्यार आ गया। मुझे याद है कि उस साल मेरे बर्थडे के दिन, जब मेरा जन्मदिन था, मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे कोई बर्थडे पार्टी या सेलिब्रेशन कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक छोटा सा कैमरा चाहिए जिससे मैं स्वामी का फोटो खींच सकूं। तो उस साल मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक कैमरा लाके दी छोटा सा, और मैंने स्वामी का भी फोटो खींचा वृंदावन में। मतलब बस देखते ही प्यार हो गया स्वामी से, पहली बार जब देखा तो प्यार हो गया। और मतलब मैं बहुत आभारी हूँ स्वामी को, क्योंकि हमारे दिल में जो प्रेम और प्यार है ना, वो भी स्वामी का ही वरदान है, वही स्वामी का तोहफा है हमारे लिए, हमारा कुछ नहीं है, तो स्वामी ने दिया तो ऐसा हो गया था। तो जब बॉम्बे गए, मैंने अपने कमरे में मेरा और मेरे बहन के लिए एक रूम था, मेरे पिताजी और माँ एक डबल 2 BHK फ्लैट था बॉम्बे में, बोरीवली में, और हाँ मेरे और मेरे बहन के लिए एक रूम था। उस रूम में जैसे यहाँ कर्टन लगे हैं ना मेरे पीछे, वैसा एक कर्टन था। कर्टन का रॉड लगने के लिए ऊपर एक वुडन पेलमेट होता है जिसके अंदर वो रॉड लगाते, उसके ऊपर मैंने अपना छोटा सा मंदिर बनाया था। मंदिर में एक एक शिवलिंग था, एक गणेश जी का मूर्ति था और स्वामी का फोटो, सेंटर में स्वामी का फोटो, क्योंकि स्वामी मेरा हीरो, मेन भगवान बन गए थे अभी। गणेश जी और शिव जी बाजू में, मेन स्वामी। तो हर रोज मैं क्या करता था, पूजा करने के लिए मतलब फूल लाते थे घर पे, और जो मेन ऑल्टर है वहाँ पर तो मेरे माता पिता पूजा करते थे, मैं अपने ऑल्टर में थोड़ा फूल लगाता था, थोड़ा एक अगरबत्ती लगाता था, ऐसे मैं करता था। तो वो करने के लिए मुझे एक चेयर पे चढ़ना पड़ता था, उस चेयर से टेबल पे, और टेबल के ऊपर एक छोटा सा स्टूल लगा के उस पे खड़ा होके मैं करता था ये सब। और ऐसे ही मतलब स्वामी मेरे भगवान बन गए थे। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ स्वामी से ही प्रार्थना करता हूँ। एक रात स्वामी मेरे सपने में आए, मैं चल रहा था स्वामी के साथ, और उन्होंने जोर से यहाँ पकड़ लिया मुझे, घट से पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया कि मतलब सपने में भी दर्द होने लगा, आह स्वामी। उसके बाद स्वामी ने छोड़ दिया और बोला अब जाओ। तो जब मैं सुबह में उठा, मुझे ऐसा महसूस, वो दर्द उस समय भी महसूस हो रहा था सुबह में, और मैंने कहा मतलब अपने, मैं गया अपने माँ के पास और मैंने कहा कि स्वामी मेरे सपने में आए थे। माँ बहुत खुश हो गई, माँ ने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि स्वामी सपने में आए। क्या किया स्वामी ने? कुछ नहीं मम्मा, स्वामी ने बहुत दर्द दिया। मेरी माँ कहती है अच्छे के लिए ही होगा। अच्छे के क्या, क्या ये इतना दर्द दे रहे और आप बोल रहे कि अच्छे के लिए, क्या कैसे अच्छे के लिए होगा। एनीवे माँ ने ऐसे कह दिया तो मैंने भी मान लिया। तो उस दिन भी नॉर्मल जैसा मेरा प्रोसीजर था, नहाने के बाद जाके पूजा करना है, मैं चढ़ के चेयर से टेबल, टेबल पे स्टूल, स्टूल पे खड़ा होके मैं कर रहा हूँ पूजा। उसी समय कुछ दूसरा काम करने के लिए, फैन की क्लीनिंग करने के लिए या कुछ, तो जो मेरी बहन है ना वो, उसने वो चेयर लेके वो चली गई, और मैं उधर खड़ा हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ। करने के बाद आदत से मैंने अपना पैर पीछे रखा, चेयर था ही नहीं, सीधा ऊपर से नीचे धड़ करके गिरा मैं, और यही हाथ पे, और ठीक यहाँ पर ऐसे दर्द होने लगा ना, मुझे लगा कि यहाँ टूट गया मेरा हाथ। तुरंत मुझे डॉक्टर के पास ले गए और वहाँ उन्होंने एक्सरे निकाला, और डॉक्टर बोलते हैं बाल बाल बच गया है फ्रैक्चर होने से, बाल बाल बच गया, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा आज शाम तक, क्योंकि फ्रैक्चर नहीं हुआ है, भगवान की कृपा है सच्ची में। तब मुझे लगा हाँ भगवान की कृपा है,
भगवान की कृपा है। और भगवान कौन है? मेरे सत्य साई। तो सबसे पहला अनुभव ये था मेरा कि हाँ यार, ये जो है पुट्टपर्ती में रहते हैं। और मैं ऐसे सोचता था बचपन में, ऐसे सोचता था कि स्वामी पुट्टपर्ती में रहते हैं। आज मैं जानता हूँ स्वामी सब जगह रहते हैं। स्वामी मेरे दिल में है, स्वामी आपके दिल में है, स्वामी सब जगह है, मेरे घर में, सबके घर में, सब जगह। अपना घर हमें प्रशांति निलयम बनाना है, अपने घर में स्वामी को रहने देना है। लेकिन उस समय मैं सोचने लगा कि अरे वाह, पुट्टपर्ती में रहते हैं ये स्वामी, और मैं बॉम्बे में गिर रहा हूँ, और उससे पहले, गिरने से पहले आके रोक दिया। अरे ये तो मस्त भगवान है, सुपर भगवान है। तो मैं और भी बड़ा फैन बन गया स्वामी का। उसके बाद स्वामी एक और सपने में आए, और उस सपने के कारण मैं और भी बड़ा फैन बन गया। क्यों? क्योंकि स्वामी सपने में आके मुझसे कहा, उन्होंने कहा मुझसे कि तुम कल स्कूल मत जाना, और मैं खुश हो गया। वाह वाह, कैसे प्यारे स्वामी है, जो भी अच्छा लगता है वही कहते हैं करने के लिए। तो मैं गया मम्मी के पास और बोला, मम्मी स्वामी ने कहा कि स्कूल मत जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ। मम्मी को लगा कि यार ये झूठ बोल रहा है, ये ना स्कूल से बचने के लिए ऐसा कर रहा, बहाना बना रहा है। तो मम्मी ने पूछा कि सच बोलो? मैंने कहा हाँ सच्ची में मम्मा। स्वामी सपने में आके उन्होंने कहा कि आज स्कूल मत जाना। मम्मी मान गई और बोली कि ठीक है, स्कूल मत जाना, यहीं बैठ जाओ घर में। अब मानो या ना मानो, उस दिन दोपहर को मुझे बुखार हो गया, टेम्परेचर फीवर 102। उसके बाद पूरे शरीर पे मतलब छोटा छोटा बॉयल आने लगे। शाम तक पता चला कि मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। अगर मैं उस दिन स्कूल जाता, मैं भी तड़पता, और मैं कितने लोगों को शायद चिकन पॉक्स प्रसाद में दे के आ जाता। लेकिन ये देखिए, स्वामी ने मुझे चिकन पॉक्स से नहीं बचाया, चिकन पॉक्स तो हो गया। उस समय मैं भी ये सोचने लगा, रहे स्वामी इतने शक्तिशाली ये सब करते क्योंकि, लेकिन चिकन पॉक्स से क्यों नहीं बचाए? ये सब ना जिंदगी भर मतलब हमें ऐसे अनुभव मिलेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कभी कभी हमें भी झेलना पड़ेगा मुश्किलों को और कठिनाइयों को, क्योंकि इनसे हमारा कर्म मिट जाता है। स्वामी जो भी करते हैं ना, वो प्रेम से करते हैं, हमारे अच्छाई के लिए करते हैं। हमारे अच्छाई मतलब हमारे शारीरिक अच्छाई ही नहीं, आत्मा के लेवल पे हमारे अच्छाई के लिए। देखिए कभी कभी आप अगर आइसक्रीम मांगेंगे मम्मी से, छोटा बच्चा मांगता है तो मम्मी देती है एक आइसक्रीम, और बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, वो मांगते हैं मुझे दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, लेकिन नहीं नहीं नहीं, बस एक बस। तो बच्चा रोता है, मम्मी क्यों नहीं, मम्मी इतना अच्छा लगता है, आप मुझसे प्यार नहीं करते क्या? अरे तुझसे इतना प्यार करती है मम्मी, इसलिए तो नहीं दे रही है। तुम्हारे आंखों का आंसू देखकर भी जो दुख हो रहा है ना उनके दिल में, वो दुख को दबाते हुए भी नहीं देती है, क्योंकि उतना प्यार करती है, क्योंकि जानती है कि 2-3 आइसक्रीम खाने से बुखार आ जाएगा, है ना। स्वामी भी वैसा ही है, हजार माओं का प्यार है उनमें। तो हमारे शरीर के लिए शायद कुछ कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा है, इसलिए स्वामी कभी कभी देते हैं या कभी कभी नहीं देते हैं। लेकिन स्वामी दे या ना दे, वो हमेशा अपने अच्छे के लिए ही है।